ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रों में वशीकरण कैसे किया जा सकता है। नवरात्रि अर्थात साधना के लिए 9 उपयुक्त रातें जिनका इंतज़ार हर साधक पूरे वर्ष भर करते हैं। इन रात्रियों में सकारात्मक शक्तियां भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं। देखा जाए तो पितृ पक्ष से लेके दिवाली तक का पूरा समय ही साधना के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में यह मौका किसी को भी कभी भी नहीं गंवाना चाहिए है। नवरात्रि में हालांकि किसी भी प्रकार की साधना सफल हो सकती है, परंतु वशीकरण साधना का अपना अलग ही महत्व होता है। तो सबसे पहले वशीकरण एवं आकर्षण ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन इसको कैसे करना चाहिए है और नवरात्रि के समय में ये बहुत जल्दी फलीभूत होती हैं। तो निम्नलिखित दिए गए मंत्र को आप लोग 11,000 या 1,25,000 बार जप कर हवन करें। नित्य एक माला जिस व्यक्ति को बुलाना या वशीकरण करना हो उसकी मूर्ति की मन में कल्पना करें। लाल आसन, वस्त्र या पुष्प का प्रयोग करें। यह एकदम सटीक प्रयोग आप लोगों को बताया गया है। साथ ही साथ एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें जब आप यह कर्म कर रहे हों। उस दीपक में थोड़ा सा गुग्गल, लोबान और लौंग अवश्य डालें। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।